वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। विभव कुमार का फोन जांच के लिए भेजा गया है। विभव कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट किया था, ये खबर मिल रही है। पासवर्ड भी जब विभव से मांगा गया तो देने से इनकार कर दिया और किसी को भी जबरन मजबूर नहीं कर सकते पासवर्ड देने के लिए, और इसीलिए अब विभव कुमार का जो फोन है वो जांच के लिए भेजा गया है। जानकारी ये मिल रही है कि विभव कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट किया था। अब सवाल ये है कि विभव कुमार के फोन में ऐसा क्या था जिसको छिपाने के लिए विभव कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट किया। हालांकि विभव कुमार की तरफ से ये कहा गया है कि उनके फोन में कुछ टेक्निकल इशू थे जिस वजह से फोन को फॉर्मेट करना पड़ा, लेकिन क्या फिर उसका क्लोन नहीं किया गया। तमाम ऐसे सवाल हैं, अब इन सवालों का जवाब पुलिस ढूंढ रही है। तो ये बड़ी जानकारी इसमें पूरी मिल रही है। दरअसल इसी बीच विभव कुमार को शनिवार को मुख्यमंत्री आवास से, यानी कि कल, गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर 13 मई को आम आदमी पार्टी की सांसद है, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप है। अब इस पूरे मामले में आज एक बार फिर से दिल्ली पुलिस जानकारी मिल रही सोर्सेस के हवाले से कि विभव कुमार को सीएम आवास लेकर पहुंचेगी और वहां पर सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस के अंदर ही मारपीट करने का आरोप है। हालांकि इसी बीच उनको गिरफ्तार भी कल कर लिया गया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी वक्त की है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने याचिका की अर्जी 30,000 कोर्ट में भी लगाई थी, लेकिन बड़ा झटका उनको यहां पर लगा है। कोई राहत फिलहाल नहीं मिली है और फिलहाल वो पुलिस रिमांड पर है। विभव कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट इस दौरान किया, अब इस बात का भी खुलासा हुआ है। अब इसमें और कई सारे सवाल उठने लगे कि आखिर उस फोन में ऐसा क्या था कि आपको फॉर्मेट करना पड़ा।